गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम यूएसपी में। मैं वासु। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसएससी सीजीएल मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर सीडीएस के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये उस सीरीज का तीसरा वीडियो है। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्री के क्वेश्चन, एरिया और वॉल्यूम, जिसे मैंसुरेशन कहते हैं, उसके क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। प्लस में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपको क्या लगता है किस टाइप के क्वेश्चन वो डील करें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, वहां मैसेज करें। देखिए, हमें गिवन है कि रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज आर, कैपिटल आर है, और हमसे पूछा कि शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो यहां पर देखो, तीन सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका सेंटर मान लेते हैं ये वाला पॉइंट होगा कोई ए, इसका सेंटर होगा ये वाला पॉइंट बी, और इसका सेंटर होगा ये वाला पॉइंट सी। शेडेड रीजन का हमें एरिया चाहिए। अब एक बहुत ही सिंपल सी बात यहां पर वर्क करती है कि जब भी दो वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं तो वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता है। अगर यहां से आप एक स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो इस पॉइंट से गुजरेगी, और यहां से अगर आप इसको मिलाते हो तो ये 90 डिग्री होगा, और इसी हिसाब से यहां से मिलाते हो ये भी 90 डिग्री। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, जिस बिंदु पर वो टच करते हैं उसको अगर इस सर्कल के सेंटर से मिला दो और उसको इस सर्कल के सेंटर से मिला दो तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। तो इतना सा चेंज हमें यहां करना है। इसको हमने मिला दिया यहां से, इसको मिला दिया हमने यहां से, और इसको मिला दिया हमने यहां से। अब ये जो पार्ट है हमें इसका एरिया पूछ रहा है, तो इसकी रेडियस आर, ये भी आर, यहां पर आर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर आपको चाहिए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर वर्क करेगा। देखो, शेडेड जो रीजन है इसका अगर आपको एरिया चाहिए तो आप ऐसा करो, ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड करो, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। तो ए बी सी की साइड 2R, 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 इसका मतलब ये हो गया हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड 2R है तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 4R² तो ये आ गया हमारा √3R². अब देखो, उसमें से 1, 2 और 3 तीन सेक्टर हैं, और सेक्टर भी कितने होंगे ये देखो, एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, 60 डिग्री के तीन सेक्टर हैं हमारे, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया 180 डिग्री। अब पूरा सर्कल बनाते हो तो वो 360 डिग्री को कवर करता है, इसका मतलब यहां से आपको लेस करना था, ये तीनों पार्ट एक साथ जोड़ते तो 60 60 डिग्री, ये 60 ये 60 ये 60, तीनों के तीनों सेक्टर हो गए आपके 180 डिग्री, और ये बन गया हमारा सेमी सर्कल, अर्धवृत्त हो गया ये हमारा। रेडियस कितनी थी यहां पर देखो, ये इसकी रेडियस इस सेक्टर की आर, उसकी भी आर, तो ये रेडियस आर, और आपको पता है कि सेमी सर्कल का एरिया 1/2 πr², ये इसमें से लेस कर देंगे 1/2 πr². अब हो सकता है एग्जाम में आर स्क्वायर कॉमन ले लेगा, 2 LCM हो जाएगा, 2√3 − π, ये हमारा हो गया यहां से आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस वाले सवाल में देखो आपको क्या होगा, तीन सर्कल दे देगा, ये ए बी सी वगैरह नहीं देगा, ये तो चलो अपना पुराना क्वेश्चन था उसी से हमने उठा लिया इस बात को। आपको सिर्फ तीन सर्कल देगा, तीनों की रेडियस सेम दे दी आपको, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब इस पार्ट में एक सर्कल और बना दिया और हमसे पूछा कि इस छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, तो इसको सोल्व करने का कॉन्सेप्ट देखो क्या होगा, ये आर 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 और यहां से ये सब आर हो गए। अब इस वाले सर्कल की रेडियस हो गई स्मॉल आर, यहां पर मान लो ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये भी मान सकते हो स्मॉल आर, और ये भी आप मान सकते हो स्मॉल आर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब देखो, मैं इसको यहां से मिला देता हूं, वैसे कंप्लीट डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद इतना कुछ मिलाना होता नहीं है, सिर्फ एक से ही आपको आइडिया लग जाता है कि ये करना था,
ये हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो गई कैपिटल आर और ये वाली दूरी होगी स्मॉल आर। इस पॉइंट को चलो ले लेते हैं हम ओ। अब देखो ये जो पॉइंट है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड सब के सब एक ही पॉइंट पर होते हैं और यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये कहलाती है कैपिटल आर। ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए कहते हैं सर्कम रेडियस और ये होती है आपकी कैपिटल आर ए बाई टू रूट थ्री। ए रिप्रेजेंट करता है आपका ए बाई रूट थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल और स्मॉल आर अगर हम लोग निकालते हैं इसके अंदर जो इन रेडियस होती है वो ए बाई टू रूट थ्री होती है और यहां पर फिर से ए है वो साइड ऑफ ट्राइंगल। अब जरा गौर से देखना, ट्राइंगल ए बी सी था, ट्राइंगल ए बी सी था, ओ ऐसा पॉइंट है जहां से ओ सी ओ ए ओ बी बराबर है। इसका मतलब ओ सी ओ ए ओ बी बराबर है तो ये इसकी हो गई सर्कम रेडियस। हम लोग लिख सकते हैं ओ सी जो है वो बना है एक पॉइंट यहां और उठा लिया के, ओ के प्लस के सी से, ओ सी जो लेंथ है वो ओ के और ओ सी से बनी है। अब देखो ओ के की लेंथ होगी वो स्मॉल आर गिवन है और के सी की लेंथ कैपिटल आर गिवन है। ये तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर आपको उसकी साइड पता है और आपको ये वाली लेंथ जिसे सर्कम रेडियस कहते हैं, सर्कम रेडियस का एक सिंपल सा लॉजिक है, एक ऐसा सर्कल जो इसके तीनों वर्टेक्स से पास होता है वो हो गया सर्कम सर्कल और इसकी रेडियस यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, बेसिक सी प्रॉपर्टी है ये वाले, वो कैसे फाइंड की जाएगी? ट्राइंगल की साइड निकालो और उसके अंदर रूट थ्री का डिवीजन करो। तो एक बात बताओ कि ट्राइंगल ए बी सी की साइड कितनी है? 2r, 2r हो गई। डिवीजन किसका करना हमें? रूट थ्री का। ये हो गया। अब देखो ओ से लेकर सी तक की दूरी हो गई 2r रूट अपॉन में रूट थ्री स्मॉल r और कैपिटल r से ये पार्ट आपका बना है। हमें सिर्फ कैपिटल r गिवन था, हमें जरूरत थी स्मॉल r की, तो साफ साफ इसको इधर ले जाओ, r कॉमन आ जाएगा 2 बाई रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू r, r ये हो गया तो 2 माइनस रूट थ्री बाई रूट थ्री इज इक्वल टू स्मॉल r, स्मॉल r की वैल्यू आ गई। हो सकता था आपसे ये वाली बात ही पूछ ले और हो सकता था कि आपसे एरिया पूछे, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, तो एरिया क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया, इसका स्क्वायर कर दोगे तो आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये चार और तीन सात माइनस चार रूट तीन बटा में तीन, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है ये पता होनी चाहिए थी। उसके बाद कुछ भी नहीं करना था, आप जस्ट एक लाइन ड्रॉ करते तो आपको अपने आप पता चल जाता कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी में यही पॉइंट सेंट्रोइड है, यही सर्कम सेंटर, यही ऑर्थो सेंटर, सब कुछ यही होता है। यहां से इसको मिलाया, इसका मतलब आपको साफ पता चल गया कि एक सर्कल गुजरेगा तीनों वर्टेक्स से, तो ओ से सी तक की दूरी आपकी हो गई कैपिटल आर जो कि यहां पर रिप्रेजेंट हो रही है इन दोनों पार्ट से, वो फाइंड की, रिलेट किया, इजीली हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें फिर से क्या कहा आपको, रेडियस ऑफ ईच सर्कल आर है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये वाला, आपको डायग्राम में ए बी सी और ये जो ट्राइंगल हमने ए बी सी बना रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये कभी नहीं देता है आपको, तीन सर्कल देगा और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल देगा, इसकी साइड आपको फाइंड करनी होगी। अब देखो हम ऐसा कर देते हैं, जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, इसका सेंटर ये होगा कहीं, इसको हमने मान लिया ओ। अब आपको पता है यहां से यहां जब मिलाते हो तो ये सर्कल इसकी होती है इन रेडियस, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हम मेंस के सवाल कर रहे हैं, तो आई होप ये छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी, जैसे पिछले सवाल में हमने लिखा था इस बात को। तो जो इन रेडियस होती है आपकी वो होती है साइड अपॉन टू रूट थ्री, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसको हम क्या कर रहे थे, यहां से यहां भी मिला रहे थे,
क्योंकि ओ जो है, पॉइंट ओ ट्राइंगल एबीसी का भी सेंटर है और इस वाले ट्राइंगल का भी सेंटर है। यहां से यहां तक इसकी हो गई इन रेडियस ये वाली, और ये वाली आपकी लेंथ है कैपिटल आर। फिर से हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर के। अब आप नोट करना, ओ के प्लस के सी बराबर ओ सी। अभी अभी आपने देखा था ओ सी जो लेंथ है वो ट्राइंगल ए बी सी की सरकम रेडियस है। सरकम रेडियस लिखने का तरीका क्या था? साइड अपोन में √3। साइड कौन से ट्राइंगल के? ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो ट्राइंगल ए बी सी की साइड हमारे पास क्या आ गई? 2R। तो ये 2R/√3 हो गया। फिर हम लोग बात करें वहां के सी, के सी एक इजी सी वैल्यू है कैपिटल आर के बराबर, एज इट इज लिख दिया। फिर से आप एक बात नोट करना कि यहां पर जो बनता है ये होता है इन सर्कल, तो इसका मतलब यहां इस पॉइंट से साइड तक की दूरी होती है इन रेडियस, इस पॉइंट से यहां तक की दूरी होती है हमारी सर्कम रेडियस। तो ये हो गई इस ट्राइंगल की इन रेडियस। अब जो अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड हमने मान ली साइड ई, साइड से लिख दिया। उसमें हम डिवीजन करेंगे 2/√3 का। इसमें अगर 2/√3 का डिवीजन कर देते हैं तो ये वाला पार्ट आपका निकल के आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आपको सोल्व करोगे साइड बराबर, ये उधर चला जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, √3 एलसीएम हो गया यहां पर 2-√3, और ये वाला जो पार्ट है ये इधर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 2√3 यहां, ये इससे कैंसिल आउट, और साइड की वैल्यू आपकी आ गई आर 4-√3। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो आई होप आपको ये बातें पता होंगी। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू आ रहा है तो एटलीस्ट एक बार आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें क्या और इम्प्रूवमेंट करें, क्या और ज्यादा बेसिक डिटेल इनमें इन्वॉल्व करें, या फिर ऐसा सफिशियंट है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।